चलते हैं भाई। ओ भाई ओ लगी, इसको भी लग गई यार। चढ़ जाएगा क्या बात है भाई। Hey guys, good afternoon. कैसे हो आप सब? तो I hope so कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे, आप सबका मैं आपका दोस्त सादिक मलिक। सो ये रही अपनी लिटिल प्रिंसेस हिदाया, से हाय करो। हाय गाइज, हाय गाइज। सैड होके दिखाना सबको, ये देख लो ये सैड होगी। फिलहाल अभी का प्लान कुछ ऐसे है, अभी के हालात कुछ ऐसे हैं। आपने सीट गंदी कर दी, सॉरी करो। गंदी हो गई, सॉरी करो, फिर सॉरी करो मुझे, सॉरी। सो फिलहाल अभी का प्लान कुछ ऐसे है, अभी हम निकल रहे हैं अपने एक मस्त से ऑफ रोड के लिए। मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अब अभी प्लान कुछ ऐसे है कि अपने जितने भी मोटो व्लॉगर्स है ना, काफी देर प्लान बना रहे थे कि यार वो कह रहे थे कि ऑफ रोड करना है, वो भी एक्सट्रीम वाला। मैंने कहा चलो मेरे पास तो थार है, मैं चीज थार लेके चलता हूँ, वो तो अपनी बाइक पे करेंगे। मे बी अगर एक दो बंदे को और कॉल करता हूँ, अगर वो भी आ जाते हैं, वाइकर वर्सेज हो जाएगा थार ग्रुप भाई। अब फैसल को मैंने कॉल किया, फैसल नीचे आ रहा है, इब्रार भी जाएगा, अलियान भी है, वैराब भी है, और भी एक दो बंदे होंगे जो साथ में जा रहे होंगे। सो लेट्स सी, आपको आगे जाकर दिखाता हूँ कि हमारे साथ है कौन और जाना कहाँ पे है। मे बी तभी बारे अंदर जाना होगा और वहीं पे जाके ऑफ रोड करना होगा। तो लेट्स सी, देखने क्या होता है, क्या जो भी होगा, फ्रंट ऑफ फेस होगा, लेट्स गो। हाईवे पे सो इब्रार चला गया इसको छोड़ के मेरे पास। गरीब बंदा भाई, क्या ही करे, सादिक भाई का सहारा है और कौन है हमारे। हाय हाय, छत्रछाया हमेशा इनके साथ है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं एक मस्त सा व्लॉग बनाने के लिए। सो ये भी घर पे था, मैंने कहा ये तो व्लॉग कर नहीं रहा है, मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, थोड़ा साथ में चल, इसका मूड बनेगा व्लॉग करने का। अगर बन गया सो कर लेना, अगर नहीं बना तो कोई चक्कर नहीं, एंजॉय करना। फिलहाल अभी का प्लान कुछ ऐसे है कि हम जा रहे हैं एक छोटा सा ऑफ रोड के लिए। मे बी तभी के अंदर ही जाएंगे, और कहाँ जा सकते हैं, और कोई जगह नहीं जहाँ पे हम ऑफ रोड कर सकें। सो फिलहाल इतनी सारी सुपर बाइक्स लगी हुई हैं, बट मे बी अब सुपर बाइक जाएंगी नहीं जाएंगी वो पता नहीं है, बट एक अपनी थार जरूर जाएगी भाई, क्योंकि थार से जो ऑफ रोड होता है वो बाइक्स पे नहीं होता। कुछ ऐसा सीन कर रहे हैं जैसे कि मतलब कोई मूवी शूट होने थे। तो पहले हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सो इनको जानते हैं गाइस, आप 180 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, अभी ब्रेकें चेक कर रहे हैं, ब्रेकें लगी हुई है, जैसे मूवी के सीन होता है ना कि भाई पहले हम स्पॉट देखने जाएंगे, देन उसको अगर स्पॉट अच्छा हुआ तो वहाँ मूवी शूट करेंगे, कुछ ऐसा सीन हो रहा है। फिलहाल सारे कह रहे थे कि तभी के अंदर ना एक छोटा सा पता नहीं क्या बनाया गया, ब्रिज बनाया गया, कहाँ से ऑफ रोड शुरू हो रहा है वो चेक करो भाई साहब। सो आज जो ड्राइव कर रहा है ना वो अपना, इसको जानता है कोई? मेरे को कौन नहीं जानता यार, डाल देख रहे हो जेके मीडिया पे, देखा होगा आप लोगों ने। हाँ ये वहाँ देखो, और मेरे चैनल पे नहीं देखा है तो देखो ओ भाई, आगे है जगह नहीं तो, मतलब काफी देर होगी, अब तो दो महीने हो चुके हैं यहाँ से इस जगह आए हुए। सो ये कह रहे थे कुछ पता नहीं क्या, एक लंबा सा मतलब ब्रिज बनाया गया। एक मिनट रुको, मैं देख के आता हूँ। ये गाड़ी वापस आ चुकी है, इट मीन्स की आगे जगह नहीं है, तभी गाड़ी वापस आ रही है। तो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं भाई की आगे मसला क्या है, गाड़ी क्यों वापस आ रही है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं यार कितना बड़ा खड्डा वैसा होगा तो जिसमें हम ऑफ रोड नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि ये तो नॉर्मल अपनी थार के लिए। सो चलो गाइस, पता नहीं कितना बड़ा खड्डा होगा, पता नहीं क्या होगा। सो उस चक्कर में ना फिलहाल मैं आ नहीं रहा था। सो बाइक के वाले जितने सारे बंदे ना वो पीछे बैठे हैं, ये इन्होंने पहले बंद कर दिया था, अब फिलहाल थोड़ा बहुत ओपन कर दिया। और मैं डर इसलिए रहा था क्योंकि मेरे ना नीचे अंडर बॉडी जितनी भी है ना वो कोई भी नहीं है, सब कुछ ना सारा खराब हो चुका है, मतलब इनका टूट गया है। सो नीचे यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये चीज दिख रही है, सो ये भी यहाँ से क्रैक हो चुकी है। देन उसके बाद ना पीछे टैंक जो है वो फ्री हो चुका है, वो टैंक की शीट थी ना वो भी टूट चुकी है। सो थार को इतना सा नॉर्मल है, सो मैंने सोचा कुछ ज्यादा ना हो जिसके कारण। लियान काफी देर से कह रहे थे कि भाई मैं बाइक पे ऑफ रोड करता हूँ, सो गाड़ी में बड़ा कम ऑफ रोड किया मैंने। चलो हम एक दिन ना गाड़ी पे ट्राई करेंगे गाइस, शीशा ऊपर मिट्टी चेक करो गाइस। कुछ ये जगह मुझे अभी तक याद है, ये कुछ ऐसी पता यहाँ पे देखिए आगे था। उस दिन हमें रात को ना अप्रोक्स पता नहीं कितना टाइम हो चुका था, 11-12 बज गए थे। और क्यों बजे थे? क्योंकि भाई वो अलियान उसने गाड़ी फसा दी थी। और आज अगेन यहीं पे आए हुए हैं, बट उस टाइम हमारे पास ना जानू की तार थी, सो जो कि आप जानते हो बिग फुट को। सो वो चेक करो पीछे, या तो हमारे पीछे कोई आ रहा है या तो हमारी गाड़ी ने वो तूफान मचाया हुआ है, ये देख रहे हो। चलो आगे देखते हैं, मस्त छोटा सा ट्रैक देखते हैं, ऑफ रोड वगैरह करते हैं, और मे बी अलियान भी थार लेने वाला बताए। सो ये चल रही है अपने 4x4 की टेस्टिंग। देन अभी फिलहाल ना मैंने इसको पहले बता दिया कि 4x4 अगर डल गया तो फिर टेंशन नहीं होती है। सो यहाँ पे अभी लास्ट टाइम हमारी गाड़ी फंसी थी, ये डोनर्स वगैरह कर रहे हैं, इससे हो गए नहीं भाई, क्योंकि डोनर्स करने से पता नहीं है कि 4x2 में डोनर्स होते, 4x4 में डोनर्स नहीं होते भाई, नहीं होंगे भैया, नहीं होंगे। चेक करो गाइस, चेक करो, वाओ। और वही सेम लोकेशन है जहाँ पे उस दिन गाड़ी फंसी थी, और अगेन गाड़ी उसी जगह गई, और मुझे लग रहा है गाड़ी फंस जाएगी। ये चेक कर रहे हो,
अरे गाड़ी वहाँ पे एक बार रुक गई ना, सो फिर निकलने नहीं वाली, लेकिन गाड़ी पे ब्रेक ना, नहीं ऐसे नहीं होंगे। सो गाइस अभी आपको थार पे ऑफ रोड दिखाते हैं। क्या बात है गाइस, देख रहे हो भाई ये बहुत ज्यादा डीप है, तो वो रही अपनी थार, तो देखते यार अभी कैसे क्रॉसिंग होती है। क्या बात है भाई, यहाँ पे इन जगहों पे आना तो 4x2 लेके कभी नहीं आना, क्योंकि गाड़ी चढ़ना फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ पे आए थे कुछ अपने भाई, गाड़ी जा नहीं रही है। वाओ, गई 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 गई, ओहो बड़े की चढ़ गई यार, शुक्र है निकल गई गाड़ी। नहीं करते 4x2 में जाएगी गाड़ी, और एसी लगा हुआ है, क्या लगता है आपको गाड़ी निकल जाएगी नहीं निकल? ये देख रहे भाई गाड़ी दम तोड़ देगी तेरी। ओहो भाई वापस कैसे जाओगे यार, वो बता दो मुझे जरा। 4x2 में भाई थार का कोई मुकाबला नहीं है, पता तुम्हें यार, थार ने ये स्टेज भी चढ़ाई हुई है पता है। जगह हम गए थे ना, सो वहाँ पे कुछ खास मजा नहीं आया, सो लौंडे कह रहे कि यार कुछ ना यूनिक करना, अब इन्होंने कोई कांड करना है, जहाँ तक मुझे लग चुका है कि इन्होंने कोई कांड करना है। लस सी देखो क्या होता क्या नहीं होता। और थार का ना मुझे लगता है कि वॉशिंग का फिर से मसला बन गया, सो टायर वगैरह मैं खुद ही ओपन फिर से वॉश करने पड़ेंगे, इतना एक्सट्रीम तो नहीं किया था, बट ये कि थोड़ा बहुत नॉर्मल किया हुआ है। और हमारे साथ जा रहे हैं साहिल भैया। अरे भैया ऑफ रोड नहीं किया, बट आज है कि थोड़ा सा ऑन रोड करते हैं। सो हमारे साथ एक अपनी गाड़ी ये भी जा रही है, सो चलते हैं एक मस्त सा छोटा सा मतलब ट्रैक करके आते हैं। सो ये रही अपनी Z900 S1000, ये रहे अपने इब्रार ब्लॉग्स। अभी जितने भी लोंडे सारे ना वो सारे बिली में ट्राई करने लगे हैं, सो हम बिली स्टोरी शूट कर लेते हैं। काफी देर के बाद आज हमारे चैनल पे ना मतलब कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको, वरना ऐसा कुछ दिखता नहीं था। ओ भाई साहब, भाई साहब सर कितना अच्छा लगेगा अरे फोर्ड की गाड़ियां ऑफ रोड में दिखेंगी तो अभी तो नहीं सर, बाद में दिखेगी। भाई ने अपना फोन दे दिया मेरे को, शादी भाई बनाऊं? आप जाओ, मैं आता हूं। सादिक भाई फोन पे लगे हुए हैं, तो फोन दे दिया भाई मेरे को के व्लॉग बना ले भाई, तो सादिक भाई को बोलते हैं पीछे ला। ओ भाई आराम से, सादिक भाई मोड़ो चलो, तो सादिक भाई को बुलाते हैं भाई, मोड़ते हैं गाड़ी तो चलते हैं भाई। ओ भाई साहब यार सादिक भाई देखो तो सही पीछे यार, शिट शिट यार सादिक भाई, ओ भाई साहब ये टूट गया क्लच भी टूट गया यार, दिखाना मेरा को लगी, इसको भी लगी यार भाई, ये कौन सा डराना है यार, छोड़ यार ये कैमरा जो है दिखाता दूर का यार भाई, ये टूट गया यार यहाँ से, चल चल इसको लेके चलते ठीक करवाते हैं यार, ये नहीं होगा ठीक करने में, क्लच लग जाएगा, क्लच लग जाएगा, अरे बाबर आगे कर, क्लच नहीं है तो कैसे जाएगा? अच्छा वो भी टूट गया नीचे भाई, अब क्या करें, लीवर भी टूट गया यार।